Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी, उनको बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। इतनी सक्सेस मुझे नहीं लगता कि किसी और एक्टर को, किसी और आर्टिस्ट को मिली होगी। शुरू से लेके अब इस एज तक अमिताभ बच्चन का वर्चस्व उसी तरीके से कायम है। उनकी लाजवाब फिल्में शोले, जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, सौदागर, बहुत सारी फिल्में हैं जो जो कि भूल नहीं सकते हैं, तो आज भी हमको याद आती है। और आज वो कौन बनेगा करोड़पति शो में लाजवाब काम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे मैं बात कहूंगा अपने जो है मल्लारा होलकर साहब की, यानी कि एक्टर राजेश सिंगारपुरे की, तो जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं पहले बिग बॉस मराठी में देखा था, लेकिन ये जो मल्लारा होलकर का किरदार वो निभा रहे हैं वो सच में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाजवाब है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम कहीं ना कहीं जिस एक्टर के फैन होते हैं, किसी एक्टर, कोई एक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम उसको बहुत बारीकी से देखते हैं एज एन एक्टर। तो वो कहीं ना कहीं उसके जेस्चर्स, उसकी स्पीच, वो हमारे अंदर बस जाती है, तो फिर हम भी वैसा ही हमारे जो किरदार हम कोई करते हैं, हमारी एक्टिंग है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी छाप आ जाती है। तो मैंने आज जब देखा एपिसोड ध्यान से, तो मुझे कहीं ना कहीं राजेश साहब बहुत ही बढ़िया मल्लारा होलकर का जो किरदार निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अमिताभ बच्चन की झलक दिखाई दी। मुझे लगा कि जैसे बिग बी अपने टाइम पे यंग बिग बी जो है ये मल्लारा होलकर का किरदार निभा रहे हो अमिताभ बच्चन। आप ध्यान से बारीकी से अगले एपिसोड से देखिए राजेश सिंगारपुरे की स्पीच, उसकी स्पीच मॉड्यूलेशन और उनका जो बोलने का अंदाज जो है, और उनके जेस्चर भी कभी कभी अमिताभ बच्चन जैसे हो जाते हैं बोलते हुए। तो जैसे ये मैंने डीपली जो गांव के सब लोग आए थे, खास करके गुरुजी से जब बात वो कर रहे थे, तो तब मुझे एकदम से लगा कि यार मैं पहले सोच रहा था कि कहाँ पहले कहाँ देखा है, कहाँ कौन सी चीज है, तो तब मुझे क्लिक हो गया नहीं यार ये कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के जो है फैन है, कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से प्रभावित है अपने मल्लारा होलकर। आप क्या कहते हो, आप मुझसे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से बारीकी से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो पे। धन्यवाद, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स।